दोस्तों, हम टीवी पर जो कार्टून देखते हैं उसको एनिमेशन, टून, गैग कार्टून, अनिमे, ऐसे काफी सारे नामों से जाना जाता है। इस वीडियो में हम कार्टून का बेस जानेंगे, यानी कि कार्टून की शुरुआत कब हुई, कार्टून की शुरुआत कैसे हुई थी, कार्टून की शुरुआत किसने और कहां पे की थी, और ये पूरी दुनिया में और भारत में कैसे फैल गया, और भारत में ये केवल बच्चों तक ही सीमित कैसे रह गया। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अब बात आती है आखिर कार्टून की शुरुआत किसने की थी। तो आपको बता दूं मैं, 17 अगस्त 1908 को एमिले कोल ने पेरिस में दुनिया का पहला फुल्ली एनिमेटेड कार्टून बनाया, जो हैंड ड्रॉन एनिमेशन स्टाइल में था, और इस मूवी का नाम था फैंटास्मा गोरे। इसमें हाथ से ड्रॉ करके मैजिक मूव्स दिखाए गए, जो उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा प्रचलित हुए थे। 1 मिनट 52 सेकंड की ये मूवी क्लिप आपको यूट्यूब पर फैंटास्मा गोरे एमिले कोल 1908 नाम से मिल जाएगी, जो 11 साल पहले डाली गई थी। आज हमें कार्टून बहुत ही आसानी से कॉमिक बुक, ड्राइंग, एनिमेटेड फिल्म और टीवी शोज में देखने को मिल जाते हैं, लेकिन कार्टून को शुरुआत में कलाकार द्वारा डिजाइन, ड्राइंग या पेंटिंग के रूप में बनाया गया था, और ये एनिमेटेड नहीं था, केवल चित्र के रूप में बनाया जाता था। कार्टून शब्द का उपयोग 1600 के दशक में किया गया था। ये इतावली शब्द कार्टन, जिसका मूल अर्थ पोस्ट बोर्ड था, और इसे अंग्रेजी से लिया गया था। बाद में ये कार्टन शब्द कार्टून में बदल गया। आज कार्टून को अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से जाना जाता है, और सबसे बेस्ट कार्टून जापान के एनिमे को माना जाता है। एनिमे नाम एनिमेशन से लिया गया है, ऐसे ही कार्टून से टून शब्द भी लिया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में एनिमेशन की शुरुआत एनिमेटर राम मोहन ने की थी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन एनिमेशन कहा जाता है, और इन्हीं को ही भारत में कार्टून लाने का श्रेय दिया जाता है। साथ ही भारत के गुना मोय बनर्जी द्वारा निर्देशित और न्यू थिएटर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित द पी ब्रदर्स को 23 जून 1934 को कोलकाता में रिलीज किया गया था, जिससे ये सिनेमा घरों में रिलीज होने वाला पहला भारतीय एनिमेटेड कार्टून बन गया। फिल्म 3 से 4 मिनट लंबी थी, और इसे काले और सफेद चित्रों का इस्तेमाल करके बनाया गया था। आज इंडिया में एनिमेशन का मतलब केवल बच्चों वाला कार्टून बनकर रह गया है, जिसमें छोटा भीम, मोटू पतलू जैसे कार्टून ही देखने को मिलेंगे, जिनमें लड्डू या समोसा खाने से ताकत आ जाती है, और उसके बाद सुपरमैन बन जाते हैं ये सब, और इनके पीछे कोई लॉजिक वगैरह कुछ भी नहीं होता है। और यही वजह कि आज इंडिया में बड़े बड़े कार्टून बैन हैं, क्योंकि उनमें वो बच्चों वाला कंटेंट नहीं है, जैसे टॉम एंड जेरी और शिनचैन। और इसके अलावा डबिंग की प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम ऑडियंस हिंदी की है, और फिर वो इंग्लिश या दूसरी लैंग्वेज में देख नहीं पाते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि एनिमेशन को केवल बच्चों तक ही सीमित रखना या फिर कार्टून तो बच्चे देखते हैं ऐसा मानना गलत है, क्योंकि फॉरेन कंट्री में जिस लेवल पर एनिमेशन उभर कर आए हैं उसने इस सोच को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है, और इनको यंगस्टर्स भी देख सकते हैं। जैसे कि जापानी एनिमे की डेथ नोट सीरीज इतनी ज्यादा सस्पेंस और लॉजिक से भरी है कि ये बच्चों की समझ से तो बाहर ही है, और साथ में योर नेम एनिमे मूवी इतनी जबरदस्त है, और जो स्टोरी टेलिंग है वो शायद ही रियल वर्ल्ड में दिखाना पॉसिबल हो। कुल मिलाके इतनी बात है कि एनिमेशन में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, और इंडिया में इसे बच्चों तक सीमित नहीं करना चाहिए, और साथ में जो क्रिएटर्स हैं उनको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए, ताकि इस फील्ड में जो भी काम कर रहे हैं वो आगे आकर अपना टैलेंट दिखा सके। दोस्तों, अगर आप भी एनिमेशन और कार्टून देखना पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।